सब चिल्ला रहे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, पर ये टाइम कब आएगा ये कोई नहीं बता रहा। दोस्त, टाइम आता नहीं है, टाइम लाना पड़ता है, टाइम लाना पड़ता है। और वो सिर्फ बोलने से नहीं आता, वो आता है करने से। दुनिया में जो भी बड़ा बना है, उसने जो भी कमिट किया है, उसे करके दिखाया, और या फिर कभी किसी से कुछ नहीं बोला और सीधा हाथ बरसाया, हाथ बरसाया। अरे मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन सबका वो टाइम नहीं आता है। टाइम उसी का आता है जो मेहनत के साथ साथ सबके दिलों को भी जीत जाता है। वो सुनता भी है और सुनाता भी है, वो हंसाता भी है और रुलाता भी है, वो बस दिल की करता है और सुनता नहीं किसी के बाप की, लेकिन मेहनत करता है पेल के और जिम्मेदारी लेता है कायनात। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। अरे आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी चलते रहे। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल है, टूट के फिर मुस्कुराना उतना ही मुश्किल है। किसी के साथ दूर तक जाओ और फिर देखो, अकेले लौट के आना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। अरे कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि हर दिन अच्छा ही हो, जरूरी नहीं है कि हर इंसान सच्चा ही हो। तुम पहले यह सोचो कि तुम्हें जिंदगी कैसे जीना है, नहीं तो अंत में पता चलेगा कि बेकार ये सारा पसीना है। क्योंकि मेहनत करके जब सब कुछ पालोगे तो ये सोचोगे कि इसकी तो मुझे इच्छा ही नहीं थी, मुझे तो कुछ और चाहिए था। लेकिन तब तक सारा वक्त निकल जाएगा और तब किसी को दोष देने पर भी कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज ही सबसे पहले यह मत सोचो कि तुम्हें बनना क्या है। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी मदद करे ताकि वो आगे बढ़े, और ये उम्मीद वो इंसान अपनों से लगाता है। लेकिन ये उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत दर्द होता है और इंसानियत से उसका भरोसा उठता चला जाता है। लेकिन सोच कर देखिए, यदि हर इंसान मदद की उम्मीद रखेगा तो मदद करेगा कौन? मदद मांगने वाले तो कई हो जाएंगे, लेकिन सोच कर देखिए मदद करने वाला कौन बनेगा?